जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हमारे एडीजी साहब दिनेश एमएल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गठित की थी, उसके तहत गैंगस्टर्स के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी की कड़ी में ये 1,00,000 रुपए का इनामी है सुमित मांझू, जो फलोदी का रहने वाला है और ये मर्डर एनडीपीएस के प्रकरणों में वांछित है। तस्करी के दौरान रायपुर में वर्ष 2022 में कुछ लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की तो इसने फायरिंग करके एक आदमी का मर्डर कर दिया था, उस प्रकरण में भी आज तक वांछित है। इस पे पिछले वर्ष अगस्त में 1,00,000 का इनाम एडीजी क्राइम ने डिक्लेयर कर रखा था। हमारी टीम के सदस्य महावीर सिंह हेड कॉन्स्टेबल है, उनको हम पिछले लगभग महीने भर से इसके पीछे ही लग रहे थे, ये ट्रेस नहीं हो रहा था। इसी एरिया में नीमच मंदसौर चित्तौड़गढ़ में ये घूम रहा था, हमें ऐसी सूचना थी कि ये अब अवैध अफीम वगैरह इकट्ठी कर रहा है और खेप ले जाएगा। कल ये महावीर सिंह को सूचना मिली है कॉन्स्टेबल को कि सवालिया जी मंदिर में ये दर्शन करने के लिए आएगा, इस पर हमने टीम को सवालिया जी मंदिर में तैनात कर दिया था। कल रात को ये दर्शन करने आया तो हमने इसको पहचान कर ली और जब ये दर्शन करके निकलने लगा तो टीम ने घेरा देकर इसको पकड़ लिया। मंदिर में इसके पास कुछ नहीं मिला, इसके साथ में लोग थे, वो हमारा फोकस इस पर था, वो शायद निकल गए। इसके खिलाफ 6 प्रकरण है, इसमें हत्या, अवैध हथियार, मादक पदार्थ की तस्करी ये, और इसका साथ ही एक हनुमान टूटा है जिसको पुलिस ने अभी कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था, वो भी 1,00,000 रुपए का इनामी था। इन दोनों की एक गैंग है मादक पदार्थों से संबंधित।